बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अज़ीज़ तालिबात, आज हम इल्मुल तालीम के लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। अज़ीज़ तालिबात, आज का हमारा टॉपिक है मुसलमानों की आमद के वक्त बरे सग़ीर की तालीमी हालत आखिर क्या थी। इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम पस मंज़र में जाएंगे कि बरे सग़ीर में हिंदू माशरा जो है वो ज़ात पात के किस अछूते निज़ाम को जो है वो फॉलो कर रहा था, उसके हवाले से थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। हिंदू कौम जो है वो बहुत ही अजीब किस्म की रसूमात को फॉलो किया करती थी। उनमें एक शिर्क था, दूसरा जो है शिर्क की इनकी हालत तो ये थी कि वो देवी देवताओं की पूजा करते थे। हिंदू जिस चीज़ में भी कोई ताकत का करिश्मा देख लेते थे उसके आगे सर झुका देते थे, और हिंदू अपने ही हिंदू भाइयों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया करते। हिंदुस्तान में जब आर्या कौम दाखिल हुई तो हिंदू तहजीब जो है वहाँ पर मुख्तलिफ जो है उसमें एक चेंज आया। अब वो तब्दीली क्या थी, उससे पहले हम देखते हैं कि ज़ात पात के इस निज़ाम में हिंदुओं ने अपने ही माशरे को तकसीम कर रखा था। उसमें सबसे अफजल ज़ात जो है वो ब्राह्मण जो है वो समझी जाती थी। हिंदुओं का अजीज़ तालबात अकीदा ये था कि जो ब्राह्मण है वो अपने देव, चूँकि वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो उनके ख्याल में जो ब्राह्मण है वो देवता के सर से पैदा हुए, इसलिए ये अफजल हैं। ये माशरे की सबसे सुपर्ब अगर हम कहें तो वो ज़ात तसव्वुर की जाती थी। और उन हिंदुओं की मुकद्दस किताब जो वेद थी उसको पढ़ाने का जदारी जो है वो भी ब्राह्मणों पे थी। दूसरी ज़ात जिसमें उन्होंने अपने माशरे को तकसीम कर रखा था वो थी खश्तरी। अब खश्तरी ज़ात, उसके बारे में हिंदुओं का गलत जो भी अकीदा वो ये है कि ये देवता के बाजू से पैदा हुए हैं, इसलिए ये ज़्यादा ताकतवर हैं और ये हिंदू कौम के बाजू या शमशीर जन हैं। हकूमत के इंतज़ाम का बोझ जो है उन्होंने इनके कंधों पर डाल रखा था। तीसरी इनकी जो ज़ात थी वो वेश थी। इनके ख्याल में अजीज़ तालबात जो वेश थे वो ब्राह्मण देवता की रान से पैदा हुए, रान इन टांग से पैदा हुए, इसलिए ये कौम हिंदू माशरे के लिए कुव्वत का बाइस थी। तिजारत और खेती बाड़ी उन्होंने इनके ज़िम्मे दे दी और मईशत की तमाम तब जिम्मेदारियाँ जो थी वो इनके कंधों पर थी। शूदर, शूदर के बारे में ये कहते हैं कि ये देवताओं के पाँव से पैदा हुए हैं, इसलिए ये कम तर और जलील माशरे में तसव्वुर किए जाते हैं। इन्हें अछूत करार देकर तो बस्तियों से बाहर निकाल दिया जाता और लोगों को, इन लोगों को ये हदायत की जाती कि वो बस्तियों में दाखिल नहीं होंगे और लोग इनके साए से भी बच कर रहते थे। ये तो था हिंदुओं का ज़ात पात का निज़ाम। अब फिर हिंदुओं ने तालीम के दरवाज़े इन पर बंद कर रखे थे, लेकिन हमारे माशरे में जो इस्लामी तालीमात थी उस वक्त वो थी अदल इंसाफ, इंसानी मुसावात। हमारे मुस्लिम माशरे में इसको बुनियादी अहमियत हासिल थी, इसलिए मुसलमान जहाँ भी पहुँचे मुकामी आबादी की अक्सरियत मुसलमानों की इल्म दोस्ती और इनकी आला माशरती इकतदार के नतीजे में इस्लाम में दाखिल हो गए। जैसे मैंने आपको एक बैकग्राउंड या पस मंज़र सुनाया, उस पस मंज़र में आपने देखा कि ख़ुद हिंदू कौम ही ज़ात पात के निज़ाम में इस कदर फंस के रह गई थी कि वो एक ऐसे निज़ाम का को अडॉप्ट करना चाहते थे जिसमें उनको इंसानियत का एटलीस्ट दर्जा तो दिया जाए। जब मुसलमानों की मुकामी आबादी जो है वहाँ पे हिंदुस्तान में बढ़ती चली गई तो उनके इकदार से, उनकी इस्लामिक वैल्यूज़ से मुतासिर होकर बहुत सी हिंदू जो है आबादी वो मुसलमान भी होना शुरू हो गई, और बल्कि ना सिर्फ मुसलमान हुए बल्कि उन्होंने अमूमी तालीम में, मुसलमानों की तालीम में उन्होंने हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया। बरे ज़खीर की मुसलमान हुक्मरान उलमा और उमराहत्ता के अवाम भी इस्लाम के हमागी तसव्वुर तालीम से मुकम्मल तौर पर आगाह थे। अजीज़ तलबात, मुसलमान हुक्मरान अमूमन ख़ुद बड़े आलिम और फाजिल हुआ करते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और अकबर जैसे हुक्मरान ख़ुद बड़े आलिम नहीं थे, लेकिन तालीम के फ़रोग में वो बहुत फराग दिल थे, यानी वो चाहते थे कि तालीम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने तालीम के फ़रोग को बहुत ज़्यादा अहम। क्या
अलाउद्दीन खिलजी और अकबर जैसे हुक्मरानों ने तालीम की इशात के लिए मस्जिदें और मदारिस तामीर करवाए, असातिज़ा तुलबा के लिए वज़ाइफ और हर मुमकिन कोशिश ये की कि तुलबा को और मदारिस में काम करने वाले मुदर्रिसीन को सहूलतें दी जाएँ। अब बच्चों हम पढ़ेंगे बरे ज़ख़ीर में तालीम निज़ाम में तालीम के नुमाया पहलू। बरे ज़ख़ीर में मुसलमानों ने अपने दौरे हुकूमत में इशात तालीम के लिए जो इकदाम किए उनके अनमिट नकूश यानी कि ना ख़त्म होने वाले नक्श यहाँ की सियासी समाजी और माशरती ज़िंदगी पर सब्त हैं यानी कि गहरे असरात छोड़ चुके हैं। मुसलमानों के यहाँ जाहिल और अनपढ़ होना बहुत बुरी बात थी। बड़ी बड़ी बस्तियों और कस्बों में तालीम के फ़रोग के लिए कई मदारिस कायम किए गए जहाँ दीनी उलूम यानी कुरान मजीद हदीस और फिक्का के अलावा शायरी सरफुन्ना और तारीख़ और जुग्राफिया की तालीम भी दी जाती थी। मुसलमान हुक्मरानों की इल्मी सरपरस्ती का सिलसिला अंग्रेज़ों के इक्तदार पर काबिज होने तक कायम रहा। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्जे के बाद मुसलमानों को निज़ाम तालीम को बहुत नुकसान पहुँचाया था। मगर ये तो एक अलहदा मौजू है, इस वक्त हम ये डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि बरे सगीर में मुसलमानों ने जो निज़ाम तालीम कायम किया उसके मुताबिक उस दौर में मकसद तालीम क्या था, निसाब तालीम कैसा था और वो कौन सी हिकमतें थीं जो कि तदरीसी अमल में इस्तेमाल होती, नज़्म व नस्क और इम्तहानात का तरीका क्या था, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। आइए मकासद तालीम को देखते हैं। मकासद तालीम, तालीम का सबसे बड़ा और बुनियादी मकसद होता है वो ये, इस्लाम की नज़र में वो ये है कि तालीम व तालुम का मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना और इखलाक हसना की तकमील है। इल्म की रोशनी से जहालत के अंधेरे दूर हो जाते हैं। बरसगीर के मुसलमान हुक्मरानों और उलमा कराम की इशात तालीम में दिलचस्पी का जायज़ा लेते हुए एक तरफ हुमायूं जैसे बादशाह और फतेहुल्लाह शेराज़ी जैसे वज़ीर को तालीम व तदरीस में मशगूल पाते हैं तो दूसरी तरफ हज़ारों उलमा मशाइख को अपने दूसरे मशागिल के साथ साथ इस फ़र्ज़ की अदायगी करते हुए भी हम देख लेते हैं। इनके नज़दीक तालीम का सबसे बड़ा मकसद रज़ा इलाही का हसूल, यानी हमने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी है, इस वजह से हम तालीम हासिल करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसने इस इल्म जिससे अल्लाह की खुशनूदी हासिल की जा सकती है इसलिए हासिल किया कि इससे वो कोई अपनी दुनियावी गर्ज पूरी करे तो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगा। इसका मतलब ये है कि हम मकसद हमारा ये होना चाहिए कि हम किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसने इस इल्म जिससे अल्लाह की खुशनूदी हासिल की जा सकती है इसलिए हासिल किया कि वो इससे अपने को दुनियावी गर्ज हासिल करे तो क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगा। अजीज़ तलबात, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम इल्म को हासिल करते हैं और उसको अपने दुनियावी मकसद यानी कि रोज़ी कमाने के हसूल के लिए हासिल करते हैं तो उससे हमें अजर और सवाब भी मिलेगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी इल्म की बुनियाद पर लोग हमारी इज्जत करें, हमारी तकरीम करें, हम उस इल्म को दिखावे के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये हदीस जो है उस हवाले से है कि तब हमें जो है उस इल्म से कोई नफ़ा हासिल आखरत में नहीं होगा। बरे ज़ख़ीर पापो हिंद में उन लोगों के अलावा जिन्होंने तालीम को बतौर पेशा अख्तियार किया बेशुमार लोग ऐसे थे जिनकी माशी मशगूलतें और थीं, लेकिन मस्कूरा बाला हदीस के मुताबिक जो कुछ उन्होंने सीखा महज रज़ा इलाही के लिए दूसरों को सिखाने की कोशिश की। यही वजह थी कि बरे ज़ख़ीर के अलावा दूसरे इस्लामी ममालिक में भी मस्जिदों और खानकाहों के अलावा लोगों ने घरों पर भी बगैर किसी दुनियावी लालच के और बगैर मुआवजे के मदारस कायम किए हुए थे। अहले इल्म के अलावा हिंदुस्तान के हुक्मरान तबका ने भी यही मकसद सामने रखते हुए तालीम को वाम उन्नास तक पहुँचाया। और दूसरा मकसद उस वक्त हासूल तालीम का ये था कि तामीर सीरत व किरदार। इस्लामी मकासद तालीम में तामीर सीरत को बहुत अहमियत हासिल है। कुरान हकीम ने खुदाई इनामात की खुशखबरी उन लोगों को दी है जो ईमान लाने के साथ साथ नेक काम भी करते हैं। इस्लाम में तरबियत अखलाक को तालीम का बुनियादी जुज़ करार दिया है। बरे सगीर पाक को हिंद में उलमा और सूफिया ने तालीम के जरिए अपने तुलबा के किरदार की तामीर की और उनमें अच्छे अखलाक पैदा करने की कोशिश की। अच्छे किरदार का अमली नमूना भी उन्होंने शो किया। इस्लामी निज़ाम तालीम फ़र्द की शख्सियत की तामीर को बुनियादी अहमियत देता है ताकि सालेह अफराद मिलकर सालेह माशरा तश्कील दे सकें और इज्तमाई ज़िंदगी के वसाइफ आसान तरीके से अंजाम दे सकें। नंबर तीन पॉइंट जो है वो है मतवाज़न नशोनुमा। पॉइंट नंबर तीन, तालीम किसी एक इंसानी पहलू की नशोनुमा का अमल नहीं है बल्कि इसके ज़रिए इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं की मतवाज़न नशोनुमा होती है। बरे ज़ख़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने मदारिस में जो तालीमी निज़ाम दर्ज किया उसमें तुलबा की हमा पहलू नशोनुमा का इंतज़ाम किया गया था। हमा पहलू से मुराद है यानी उनके शख्सियत के बहुत से पहलुओं की एक ही वक्त में तरबियत की जाती थी। मुसलमानों के सामने तालीम का तसव्वुर बहुत वसी था।
को दीनी तालीम को मरकजी हैसियत हासिल थी, लेकिन तजारत और फ़नून वगैरह के लिए भी अदारे कायम थे। तालीम की वसत और हमागिरी का ये आलम था कि मदारिस में एक तरफ कुरान हदीस, फ़िक्का, मंतिक और कलाम, इल्मुल कलाम की तालीम दी जाती, तो दूसरी तरफ तारीख, जोग्राफिया, तबीयात और इल्म हिंसा की तालीम का भी बाकायदगी से उसमें इंतज़ाम किया जाता। चौथा पॉइंट है मौशी खुदकफालत। इस्लामी निज़ाम तालीम इस बात को बहुत अहमियत देता है कि तुलबा फारिगुल तहसील होने के बाद अपनी रोज़ी कमा सके। बरसकी निज़ाम तालीम में ऐसे फ़नून भी शामिल थे जो तालिब इल्म की खुदकफालत के ज़ामिन समझे जाते हैं, मसलन खताती, किताबत और जिल्द साजी वगैरह। बरसकीर में ऐसे मदारिस का जिक्र भी मिलता है जहाँ फ़नी तालीम का भी इंतज़ाम किया गया था। अब मनसब खिलाफत। इस्लामी नुक्ता नज़र से अजीज़ तलबा, अगर हम देखें, इंसान दुनिया में अल्लाह ताला का बंदा है और अल्लाह ने इंसान को दुनिया में अपना खलीफा होने का शर्फ भी बख्शा है। इसलिए मुसलमानों की ज़िंदगी का एक मकसद अल्लाह ताला की हाकमियत का क़याम है। तालीम इंसान को उसके मकसद की अदायगी के लिए तैयार कर देती है। अगला पॉइंट है तस्खीर कायनात। तालीम का एक मकसद इंसान को इस काबिल बनाना भी है कि वह फितरत की कुव्वतों और पोशीदा ज़राए को इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सके। अब निसाब तालीम जो है वो कैसा होना चाहिए था उस दौर की ज़रूरियात के मुताबिक। इब्तदा में इस्लामी मदारिस के निसाब में कुरान हकीम, कुरान मजीद को हमेशा मरकज़ी हैसियत हासिल रही। इसके अलावा तफसीर, हदीस, फ़िक्का वगैरह भी इस्लामी निज़ाम तालीम का हिस्सा थे, जबकि दीगर अलूम, हिसाब, तेब, नजूम, मज़रात वगैरह की तहसील इख्तियारी मजामीन की हैसियत रखती थी। तुलबा को अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मजामीन के इंतखाब की आज़ादी भी थी, जबकि कुरान हकीम की तालीम को मरकजी हैसियत हासिल थी। कई अलूम और कुरान पाक की तफहीम के लिए नसाब में शामिल होते गए। कुरान पाक ने सीरू फिल अर्ज़ी और मुशाहिदा कायनात की बार बार ताकीद की है। इसका मतलब ये है कायनात में घूमो फिरो और अल्लाह ताला के मुशाहिदात का, कायनात में जितने भी अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई उसका बगौर मुताला करो। मुशाहिदा कायनात की मेरा ख्याल है ताकीद इसलिए की गई कि साइंसी इलम को तरक्की दी जाए और ये निसाब का फिर हिस्सा भी बन गए। कुरान पर एतराज़ात के जवाब देने के लिए फ़लसफियाना अलूम ख़ास तौर पर इल्मुल कलाम वजूद में आया। इस्लाम में मारफत नफ्स की ताकीद की गई, यानी अपनी नफ्स की पहचान करना, अपनी पहचान करना कि मैं क्यों कर इस दुनिया में आया हूँ। नफ्स की मारफत के तकाजे ने इल्म नफ्सियात को जो है वो तरवीज दी। कुरान पाक को समझने के लिए अरबी ज़ुबान और अदब को तरक्की दी गई। अजीज़ तलबा बरसगी के निज़ाम तालीम में भी वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहीं और उनका जायज़ा मुख्तलिफ अदवार के हवाले से हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, उसका इख्तिताम करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इब्तदाई निसाब क्या था, सानवी और आला निसाब क्या था। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।